লগত একাউন্ট পাতি আছে লাইসেন্স আছে সব আছে বাইকখন হে রাখিব লাগিব यो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर 15। तो जा रहे एक जगह में जहाँ पे 11 मंथ्स होगा, 11 मंथ्स से मतलब गया नहीं वो जगह। वहाँ पे एक कांड हुआ था जो कि शायद से बहुत लोगों ने देखा है, वो सिराज भैया के चैनल पे है। तो वो रास्ता हमने और फिर दोबारा नहीं लिया था, तो आज वो रास्ता में ही जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पहुंच गया हाथीगांव चारियाली, अब यहाँ से लेना पड़ेगा राइट हमको। भाई साहब, हाथीगांव में इतना जाम कब से होने लगा है? अकेले अकेले जा रहा हूँ, निको भैया भी नहीं आ रहे क्योंकि कल वो गया था मतलब नॉर्थ गुवाहाटी के साइड जहाँ पे डर्ट रेसिंग हो रहा था और वो वाला वीडियो उसने कवर किया था, तो वही एडिटिंग पे लगा हुआ है। और मैं कल नहीं जा पाया क्योंकि कुछ काम था मेरे रूम पे, कॉलेज रिलेटेड, कॉलेज का भी काम देखना पड़ता है और फिर ये सब भी अभी स्टार्ट कर चुका हूँ तो यहाँ पर भी टाइम देना पड़ रहा है। तो अकेले जा रहा हूँ, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन क्या करूँ। आज सोचा है कि हाँ वो वाला रास्ता आज लेना है हमको। पहुँच गया हूँ गणेशगिरी फ्लाईओवर और सीधा ही जाने का कुछ काम था मतलब मोटोक्रेज में मेरा जो फ्लैशिंग का लाइट है, जो फॉग लाइट का भी काम करता है और फ्लैशिंग का काम करता है, वो मतलब रैपिंग के द्वारा वो खुल गया था, वो इसीलिए टाइट भी नहीं कर पाया उस दिन। टाइम भी हो गया था 9:30 का और कोविड के प्रोटोकॉल्स मान के चलना पड़ रहा है ना, इसीलिए मतलब रिटर्न होके चला आया तो फिट नहीं कर पाया। आज सोच रहा था कि फ़िट कर लूँ लेकिन अभी टाइम भी बहुत देर हो गया है, 3 बज गया है, अभी वीडियो भी कंप्लीट करना है, शुरू ही अभी किया है मतलब दिन में काम था, अभी वीडियो शुरू किया है। तो शुरुआत किया है हाथीगांव से, अभी पहुँच रहे हैं टुवर्ड्स डेट वे जो 11 महीने से नहीं लिया था। तो भाई साहब पहुंच के अभी चुरोट तिनियाली पे, बहुत दिन से जो है कि यहाँ पे पहले अड्डा हुआ करता था, मतलब एक चचा का चाय वाला दुकान है जहाँ पे बहुत दिन से नहीं गया हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा टाइम चाय टाइम पे स्पेंड होता है। पहुँचने वाला हूँ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन गुवाहाटी, डेट इज सिलपुखुरी। यहाँ से लूँगा राइट क्योंकि और एक रास्ता है, ये वाला रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है तो सोच रहा हूँ कि ये साइड से ही लूँगा। अभी जो पहुंचा हूँ वो नवग्रह का रास्ता है, मतलब यहाँ से रास्ता कुछ मतलब थोड़ा एडवेंचरस टाइप दिखता है, तो देखते रहिए म्यूज़िक के साथ। तो
बताने का टाइम आ गया, कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, सेक्टर वन में जा रहा हूँ, जो कि सेक्टर वन में 11 महीने पहले हम लोगों को ब्लैक कमांडो ने पकड़ लिया था, जो कि सिरस भैया का चैनल पे होगा वीडियो, अभी होगा मतलब है अभी, जो कि सक्सेसफुली अराउंड 700 के कंप्लीट कर चुका है। तो वो वीडियो भी वॉच कीजिए और मिलियन तक पहुंचा दीजिए। अभी वही रास्ता में जा रहा हूँ अकेला। उस दिन तो आया था, मतलब सिरस भैया था और निको भैया भी था, लेकिन निको भैया का कुछ काम के वजह से वो आधा रास्ता से वापस आना पड़ा, और सिरस भैया और हम गए थे उधर, तो हम लोगों को तो पकड़ लिया था। सिरस भैया का तो कुछ नहीं हुआ, वो ठीक था, मेरा मतलब एग्जॉस्ट लगा हुआ था, तो एग्जॉस्ट की वजह से मतलब बोल रहा था कि ये जल्दी से चेंज करवा लो, नहीं तो इस बार तो रहम कर रहा हूँ। मतलब सिरस भैया का जो है ना एक सब्सक्राइबर था, वो पुलिस में से एक सब्सक्राइबर था, तो उन्होंने बोला कि हाँ इस बार तो माफ़ कर रहा है, लेकिन अगली बार से नहीं होगा ये। फिर जाके हम एग्जॉस्ट चेंज कर लिया है। ये वाला ही था, इधर ही था टर्निंग में, हाँ यहाँ पे ही पकड़ा था हम लोगों को, जो कि अभी पूरा खाली है, सन्नाटा है जगह पे, थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। अभी हम जैकेट भी नहीं लाया अपना, और ठंडा थोड़ा लग रहा है। लगभग पहुंच ही गया हूँ जो सेक्टर वन का पिकनिक स्पॉट है। हाँ, तो ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म, और हमको जाना पड़ेगा लेफ्ट में। तो यहाँ तक पहुंच गया, यही रास्ता है अभी। हाँ, यही है पिकनिक स्पॉट, शायद से अभी बंद है क्योंकि पानी भी आ गया है। और सोच रहा था कि उस पार जाऊंगा, लेकिन देखिए भाई साहब ये जो पानी है ज़्यादा भर गया है, ये रास्ता भी बंद है, और उस तरफ से भी जाने का कोई जुगाड़ नहीं है। हम सब ट्राई मार चुका है पहले भी, मतलब ऑफ़ कैमरा में हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से ही वापस लौटना पड़ रहा है। फ़िलहाल पहुँच गया हूँ दिघोली पुखरी साइड। कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि जो सनसेट का टाइम है, वो सन का जो रोशनी है इस टाइम पे, वो बहुत ही मतलब बदतर तरीके से कैमरा पे आ रहा था, इसीलिए मतलब ऑफ कर दिया था। यहाँ से सीधा शायद गांधी मंडप जा सकते हैं, क्योंकि मेहताब जो है वो कॉल किया था कि आज भी आओ। हम बोला कि ज़्यादा मन तो नहीं है आज जाने का, देखते हैं क्या किया जाए। भूख भी जोरों शोरों से लगा है, खाना भी खाना है। हॉर्न दो, तुमको हॉर्न दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम खुद राइट से जा रहे हो, क्या हॉर्न देगा तुमको, क्या गुंडा बनेगा रे तुम पानी वाला। वो तो गलती से इधर उधर निकल गया था, माफ़ कर देना भाई साहब। फिलहाल पहुंच चुका हूँ मेरा फेवरेट जगह में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, वो है चाय टाइम। और एक दोस्त था, मतलब हाई किया, अभी रुकने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि लेट हो चुका हूँ। अभी निको भैया के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो निको भैया के घर में गलती से रख के आ गया था, तो वो वाला लेने के लिए जा रहा हूँ उस तरफ हाथी गाँव में फिर से।
ओ भाई साहब, ये मेस्ट्रो का फूफा का नाती कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। घुसा दे घुसा दे घुसा दे, बड़ा माहिर इंसान है तुम बे घुसाने में, सॉरी मतलब कट मारने में। व्यूअर्स डोंट टेक इट रॉन्ग, ओ भाई कतई जहर। भाई साहब अगर तुम ये वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारे लिए एक मैसेज है कि विदाउट गियर्स इतना रिस्क मत लो। तो अभी बहुत टाइम तुमने खा लिया है, इट्स टाइम टू से बाय बाय माय मेस्ट्रो किंग। ओ भाई साहब ये तो मेस्ट्रो वाले भैया तो हार ही नहीं मान रहा है, ये फिर से कट मार के निकल गया। ये जो मेस्ट्रो वाला भाई साहब है ये शायद गलत सोच लिया, हम थोड़ा स्पीड चला आया तो वो शायद सोचा कि उसके साथ रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, रेस मत करो। भाई साहब जो है वो मतलब रॉकेट का इंजन लगा के भाग गया है। हम पकड़ सकते थे उसको, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है क्योंकि एक बार मेरे साथ एक हादसा हो चुका है जो कि उसका प्रॉब्लम अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि तो वो रिकवरी में कितना टाइम लगेगा वो तो पता नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि 3 साल तो लग ही जाएगा, लेकिन मुझे जो है कि यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ वो वापस पहले जैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बोला है 3 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी 1.5 साल हो ही गया, मतलब 50% तो रिकवर होना चाहिए था लेकिन उतना भी नहीं हुआ। मेडिकल टर्म में वो फूड ड्रॉप कहता है, वो वाला सीन हुआ है मेरे साथ। पहुंच गया हूँ हाथीगांव चारियाली, यहाँ से लूँगा राइट और निको भैया के घर में जाऊँगा, लैपटॉप उठाऊँगा, फिर रूम पे जाके डाटा ट्रांसफ़र करके अभी एडिट भी कर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब कीजिए, लेकिन शेयर मत कीजिए, शेयर को आप कोरोना वायरस के ऊपर छोड़ दीजिए जो कि अपने आप फैल ही रहा है। मजाक कर रहा था भाई शेयर भी करना, क्योंकि आपका एक एक शेयर मैटर करता है मेरे चैनल पर। अभी पहुंच गया हमारा नौका भैया के इधर, और यहाँ पे है हमारा जोनाक द ब्यूटी।